यमी सी और डिफरेंट सी बर्न्ड चटनी टमाटो बनाने के लिए ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं। 2 पर्सन के लिए ही बना रही हूँ। 3 टमाटर लिए हैं बिल्कुल फ्रेश। एक ये गार्लिक का पूरे का पूरा ये मैंने पीस लिया है। ये हरी मिर्ची है। स्टार्ट करेंगे बनाना। इसको हमने यूं गैस पर अच्छे से बर्न करना है, मतलब जो इसकी स्किन है अच्छे से उसको भूनना है। ये देखिए, ये मिर्ची भी मैंने साथ ही में रख दी और ये जो गार्लिक है यानी लहसुन है इसको भी यूं रख देंगे। ये देखिए, धीमी आंच पर आराम से इन सब चीजों को हम पकने देंगे। ये आप देख सकते हैं जो टमेटो है इसकी स्किन बर्न होके फटने लग गई, तो ये अच्छे से पकाएंगे हम इसके ऊपर धीमी आंच पर। ये देखिए, लहसुन को भी इसी तरह से पकने देंगे और ये जो मिर्ची है इनको भी। इसके ये जो बाहर वाली लेयर है वो बड़े आराम से उतर जाएगी। इसी तरह से ये मिर्ची की लेयर भी हम उतार लेंगे। ये देखिए, ये देखिए गार्लिक भी निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकल जाएगा ये भी। टमेटो के इस वाले पोर्शन को निकाल देंगे हम। हल्का हल्का सा इसको यूं कर लेंगे। जितनी भी चीजें हमने रोस्ट करी थी उनको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और जो पोटैटो मैशर है उसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैश कर लिया। अब थोड़ा सा इसमें इसको और मजेदार सा बनाने के लिए मैंने हल्का सा लेमन जूस ऐड किया। फिर से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में डालेंगे ये क्यूमन है, क्यूमन पाउडर यानी जीरे का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर। ये थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्ची और डालेंगे आधे से कम चम्मच नमक, क्योंकि चटनी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही है। और इसमें डाल देंगे हम खूब सारा हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मजेदार सी टमेटो गार्लिक बर्न चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। बिलीव मी, बहुत ही यमी चटनी बनती है, डिफरेंट सी, और ट्राई कीजिए जरूर से, आपको बहुत पसंद आएगी। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।